वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज मैं यहाँ सिर्फ बोलूंगी, सुनूंगी कुछ भी नहीं, क्योंकि आज की हमारी थीम है कल आज और कल, यानी कि आज यहाँ तिकड़ियाँ अलग अलग जेनरेशन को मिलवाएंगी। अर्चना, आपका साथ देने के लिए हमने बॉलीवुड के हीरो नंबर वन को बुलाया है और हंसी के ये राजा बाबू आपके हर लाफ्टर पे आपको चश्मे बद्दूर कहेंगे। प्लीज वेलकम बॉलीवुड में कॉमेडी के किंग माने जाने वाले द डायरेक्टर नंबर वन डेविड धवन। के महाराजा धीराज का हंसी के सबसे बड़े दरबार में स्वागत है, जोरदार तालियां। वैसे डेविड साहब, हमारे यहाँ तो कई सारे चश्मे बद्दूर ऑलरेडी हैं और अब आप भी एक चश्मे बद्दूर लेकर आ रहे हैं, तो आपकी आने वाली फिल्म के बारे में जरा कुछ बताइए प्लीज। चश्मे बद्दूर जो है ना, एक दोस्तों की कहानी है, तीन दोस्तों की, जिसमें दो कमीने हैं। अब इस पिक्चर के बारे में ये बता सकता हूँ कि 5 अप्रैल को लग रही है और हर हिंदी फिल्म की कहानी एक जैसी ही होती है वैसे। तो मुझे लगता है थिएटर में जाके देखोगे तो बेटर लगेगी आपको। बिल्कुल। वैसे सर, आपकी चश्मे बद्दूर तो अपने प्रोमो से सबका दिल जीत ही चुकी है और हम सबको यकीन है कि फिल्म सुपरहिट ही होगी, लेकिन फिलहाल आज यहाँ पर हंसी की जो जोड़ी नंबर वन बनेगी वो है आपकी और अर्चना की, तो प्लीज उनके साथ जाके। श्रुति, तुमने मेरी और अर्चना की जोड़ी तो बनाई है, मतलब तुम हमारी दोस्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर एक दोस्त कमीना होता है और ये कमीना दोस्त जोड़ियां कैसे तोड़ते हैं ये आपको बताएंगे देवेंदु और तापसी। तो जोरदार तालियां हो जाए देवेंदु और तापसी के लिए। कब से वेट कर रही हूँ यार, मेरा बंदा नहीं आया अभी तक, बोला था पिक्चर दिखाने लेके जाएगा, स्टार्टिंग मिक्स कराएगा। आई टेल यू, अर्ज किया कि अगर सफेद साड़ी में तुम लाल बिंदी लगा के आ जाओ तो माँ कसम एम्बुलेंस लगोगी। मिस्टर एम्बुलेंस, पता होता पहले तुम आने वाले हो यहाँ पे तो फिर मैं अपने घर पे जाके वेट करती। अरे तो मैं आपके पीछे पीछे आपके घर पे आ जाता। मैं ना किसी लुखे को अपने घर में नहीं आने देती। अरे तो अर्ज किया है मेरी जान, अर्ज किया है कि चोरी छुपके से मुझे अपने घर पे छुपा लो और कोई देख ना ले इसलिए खिड़की के बाहर एक झाड़ लगा लो। यार ये अपने थके हुए पकाऊ जोक बोल बोल के तुम थक नहीं जाते? ठीक है तो आपके लिए एक और चीज पेश कर देता हूँ। तो दोस्तों, अर्ज किया है कि कश्मीर ना कोई ले सकता है, कश्मीर ना कोई दे सकता है, कश्मीर में बस 3 दिन और 2 रात का हनीमून पैकेज हो सकता है, क्या कहते हो गया? बहुत ज्यादा डिमांडिंग लड़की हो यार। ठीक है, एक और ले लो। तो अर्ज किया है कि वो मिली मुझे हीर की तरह, टेस्ट में थी वो खीर की तरह, और दिल के पार हुई वो तीर की तरह। सच सच बोल, कहीं चिल्लड़ तो नहीं पकड़ा गई फकीर की तरह? इसका शर तो होगा नहीं बंद, मैं ना घर जाके वेट करती हूँ। यू प्लीज गेट आउट। और ऐसी बदतमीज लड़कियों के लिए अर्ज किया है कि इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। एक बार जोरदार तालियां तापसी और देवयानंद के लिए। अपने शैतान भांजे राजीव को सुधारने के लिए मामा मंत्रा क्या क्या करता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज मामा, राजीव एज भांजा, एंड पूर्वी एज वेरियस कैरेक्टर्स। सारे बोल, और अर्चना जी कैसी है? कहाँ गया फ्रेंड सोहेल खान? I want to take you home. He went home without you. अरे हर बार के जाता था फिल्म मिलेगी फिल्म मिलेगी, फिल्म छोड़ो इंटरवल में भी काम नहीं दिया बेचारी को, कम से कम पॉपकॉर्न ही खिला देती। हाँ हाँ, खा गई रे, खा गई, एक और जज खा गई। अरे खा गई। तो क्या बतलाओ रे तुम लोगों को, इतने कॉमेडी सर्कस के जज खा गई डकार मारे ने तो सतीश शाह और शेखर सुमन यूं गिरे नीचे। अरे रे 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 रे। अरे पापा जी, नालेगों कैसे? बहुत बढ़िया डेविड धवन जी, आज जोरदार तालियां इनके लिए भाई। मियां चेहरे पे नूर, चश्मे बद्दूर, मजा आ गया क्या पिक्चर होने? क्या डायलॉग सुना आपने पिक्चर का, इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। वाह वाह वाह, तो करके दिखाओ, नहीं करके दिखाओ अर्चना जी को, करके दिखाओ तो माने हम। यहाँ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बात भी तो गर्ल की हो रही ना सर। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। देखो ये कॉमेडी सर्कस जो है ये शो नहीं है, ये क्लब है जहाँ लोग मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, हैं? मतलब देखो हमारे एंकर को देखो, बीच चलते एक्ट में खाते रहती हैं, जब मौका मिल जाता है जवा लेती है। हमारे डायरेक्टर निकुल गांडा स्क्रिप्ट बनवाने से ज्यादा टैटू बनवाने में इंटरेस्ट है उनका। खैर, हमें चीचा और बहुत बड़े खानदान से ताल्लुकात रखते हैं मियाँ। हमारे अब्बू जो थे
वो उनकी दो जो रानियां थी, एक प्रतापगढ़ की महारानी और एक घर की नौकरानी, एंड आई एम द सन ऑफ द नौकरानी। मैं क्या बतलाऊं आपको, मतलब वो तूफान की एक रात थी, नहीं मतलब दीदी वन पे तूफान पिक्चर आ रही थी अमिताभ बच्चन की, और हमारे अब्बू जो है वो महल के शहंशाह बन गए, और फिर अंधेरी रातों में उनने जो हमारी अम्मी के साथ जुर्म साफ किया है, फिर रिश्ते में वो हमारे बाप बन बैठे। क्या बात है यार, वेरी गुड यार। अरे हमारी अम्मी ने हमसे वादा लिया था कि कसम ली थी कि ये किसी को राज नहीं बताएंगी, और खुद जाके ये राज महेश हटी जी को बता दी, जिनने राज वन राज टू राज थ्री बना डाली इस चक्कर में। खैर मैं दुनिया हंस लो, अच्छा भी तो अभी तो रेल चालू हुई है, आगे आगे देखो। बहुत अच्छा। खैर मैं तो आपको बता रहा था कि हम दुनिया में अकेले हैं, और शुक्र मनाता हूँ कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि जिनके जो होते हैं उन्हीं से पूछो अपने भांजों को पालने में क्या हालत हो जाती है उनकी। और मेरा भी एक भांजा है, गर्मी की छुट्टियों में नाक में दम कर रखा है, नाच पीटे ना अभी आता ही होगा, लुढ़कते लुढ़कते आ जावे लाउंडे। प्रस्तुत पेशकश हमारा इन हाउस गोडजिला, ठीक है, राजीव मेहरा कहते हैं इसे प्यार से। हगो आई मीन टू से, बोलो आगे क्या बोलना चाहते हो। अपना मोबाइल दो ना, मुझको वीडियो गेम खेलना है। मैं देखो हमारे मोबाइल में जो वीडियो गेम है तुम खेल ना पाओगे लाउंडे, तुम जाओ बाहर जाके खेलो। बाहर कहाँ, डांस बार में। अच्छा वो बाहर मैंने नहीं जाना, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ तो फुटबॉल खेल ले, वो मुझको फुटबॉल बना के खेलते हैं। वैसे मजा तो बड़ा आता, लेकिन ना कल सारे बच्चे कह रहे थे आज ना फुटबॉल को ना पंप से हवा भरेंगे, मैं रिस्क नहीं लूंगा। बहुत जवान चल रही तेरी, दांतों के बीच से भी बहुत जवान चल रही है तेरी। तेरे को छह स्कूलों से भगाया टीचरों ने, इसलिए अब इसके लिए मैंने टीचर घर पे लगवाई है, उसे मत भगाना, तुम लोग तमाशा मत करना रे, चल रे तैयार हो जा। नमस्कार, माय सेल्फ आंटी अमरापुरम, यू नो सदाशिव अमरापुरम, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, थैंक गॉड। ओ माय गॉड, न्यू जज सोनाक्षी सिन्हा, oh I'm sorry, 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 I'm forgive me Mr. David Dhawan, sorry, sorry, oh my God, ये क्या हो गया? वो क्या है ना सर, मेरा नजदीक का नजर जरा कमजोर है, और अब इतना हेल्दी और हट्टा कट्टा है, बहुत ही नजदीक लगा, इससे सोनाक्षी सिन्हा लगा, I apologize। और तुम लोग कितना बदतमीज बच्चा लोग है, इतना सीनियर टीचर क्लास में आया और तुम खड़ा भी नहीं हुआ, खड़ा हो जाओ सब लोग, एवरीबॉडी। देखा अर्चना, दे दो टुच्छा एक्टर कब से कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, मेरे को आते ही स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। टीचर श्रुती मेरे लंच बॉक्स का आ गई। क्या व्हाट इज दिस, भूखी पेट श्रुति सेठ हमेशा खाती रहा, व्हाट इज दिस रविश, खड़े हो जाओ कानपुर, खड़े हो जाओ, व्हाट इज दिस बिहेवियर, एब्सोल्युटली रविश, रिडिकुलस। मैं तेरवान से छड़ी पकड़ के खड़े नहीं होते, बन रहा कान पकड़ के क्या खा खड़ी होंगी। अरे Excuse me, who is this? I am a very serious teacher. मेरे को मसाक मस्ती पसंद नहीं है। क्या हुआ? इसको मजाक पसंद नहीं है, इनको मेरा सटायर पसंद नहीं है, रेडियो वाले कॉल कर नहीं रहे, मैं क्या चौराहे पे जाके बजाऊं साला? What is all this nonsensical behavior? चलो अब पढ़ो। अरे मेरा बॉडी पर मत पढ़ो, तुम पढ़ो बुक में पढ़ो। देखो हम तुमको एक पोयम सिखाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देखो उसमें जान डालो, रिदम डालो, फील डालो। अन्ना गिव मी सम रिदम प्लीज, थैंक यू। अन्ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओ आई वंडर व्हाट यू आर, ओ आई वंडर व्हाट यू आर। देखा अभी तुम अपनी स्टाइल में बोलो रिदम के साथ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, टक दे। वेरी बैड, कभी भी ये गाना वापस मत गाना, ओके। अभी देखो तुमको मैं एक सवाल पूछे, कुछ जवाब दो, मेरे को ये बताओ एक प्लस एक कितना होता है? 11। अरे बाबा एक प्लस एक इज 2। पागल समझ रखा है तो डेविड जी पागल है, जिनने एक और एक ग्यारह बनाई। अरे तू ज्यादा जानती है उनसे, वो जज की कुर्सी पे बैठे, एक और एक ग्यारह ही होता है। अरे ये तुम लोग कौन है, ये क्या आदमी, इतना इलिटरेट फैमिली, तुम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बात करने तमीज नहीं है। मुझे तमीज नहीं है, नहीं है। अरे तुम्हें क्या आता, मैं आज तुम्हारा टेस्ट करूंगा।
सवाल का जवाब तो तू मुझसे क्या पूछ रही है? आप बता मेरे को, अगर गाय हमें दूध देती तो हम उसे चाय क्यों नहीं देते? मेरे को ये क्या सवाल है? व्हाट इज दिस? बता। I am going. I reject you. I fail you. अंडे बड़े भोंडे के तबाह कर दी बहुत अगली लंबे बड़े बड़ा माइंड इट। बच्चा भैया से चश्मे बद्दूर बेहतरीन पोस्टर लगा डेविड जी आपका। वो पोस्टर ये बच्ची वही है ना पोस्टर में? अरे बच्ची तुम्हें हमने देखा पोस्टर पे बेहतरीन और बड़ा बड़ा लिखा पढ़ाई पे ध्यान दो। तुमने देखा पोस्टर? देखा? मैं आधे घंटे तक बीच चौराहे पे पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। और अम्मा कसम हाथ में पेन लेके चल रहा था, पोस्टर यहाँ तक था, वरना लिखाई पर भी ध्यान देने वाला था मैं। मोहतरमा ऐप के बाद मुझे आज बहुत पढ़ने का मन कर रहा मेरा। मीवन भाई और तुम सुनो बे लाउंडे, बेटा तुमसे ना हो पाए, तुम ऐसा करो तुम हमारी तरह बिरयानी बनाना सीख लो, कम से कम आगे चल के डायरेक्टर तो बनी जाओगे जैसे सोहेल खान बिरयानी बनाते। डेविड कहीं अपना भी डायरेक्शन से पहले कहीं चावल तवा पुलाव कुछ भी ऐसा फ्राइड राइस आइटम नहीं, मैं पूछ रहा था ऐसे ही। एक तो वो दूसरी टीचर भी नहीं आई यहाँ पे, ना जाने इसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। एक तो ये पड़ोसी मुल्क वाले समंदर के रास्ते क्यों आते हैं हमारे मुल्क में, मेरे को ये समझ नहीं आता। आपकी तारीफ हर जगह हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ ऐश्मे की दोस्त, मीडिया पे बोझ, पार्टी कर रही हूँ खोज, कैमरा देख के ही बना लेती हूँ हॉट सी पोज, और मेरी हरकतों की वजह से कई बार कटा चुकी हूँ अपनी नोज, लेकिन मुझे कोई नहीं दे रहा है फिल्म ना ही टीवी शोज। मैं हूँ आपकी नई टीचर बीना मालिक। तो शुक्रिया। तो ये बताएं कि बच्चा कहाँ है? रुक जा थोड़ी देर में दे दूंगा, पहली मुलाकात में थोड़ी ना ऐसी बातें करते हैं। देखिए डोंट एंजॉय योर लिमिट्स। मैडम को इंग्लिश ही नहीं आती। इंग्लिश? और मुझे नहीं आती? दिस पॉसिबल। मैं तो हूँ आइटम ऑफ द ईयर। जानते हो बड़े बड़े फॉरेनर्स के साथ मैं स्कैंडल लाइट डिनर पे जाती हूँ। नहीं नहीं मोहतरमा, इतनी तो हमने भी सीखी है, स्कैंडल लाइट नहीं कैंडल। नहीं आपका तो स्कैंडल लाइट डिनर ही बनता है। आप तो ये बताइए मोहतरमा, पढ़ाएंगे क्या? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। ये मैडम कहाँ कहाँ से गुजरती है। मैडम आपको नॉन वेज सिलेबस के अलावा भी कुछ आता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा फेवरेट गाना है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, फेवरेट एक्टर अनुपम खेर, फेवरेट हीरो सलमान खान, फेवरेट फिल्म खूबसूरत, फेवरेट खाना खोए की खीर वो भी कैसर के साथ। मैडम आपके कुछ खा नुक्ते के साथ गिर गए, घर ले जाइएगा इन्हें। व्हाट नॉनसेंस, ज़बान संभालिए। देखिए आपको शायद मालूम नहीं कि हम बहुत ही बड़ी फनकारा हैं। जी हाँ, हमारे मुल्क में हमारे नाम का डंका बजता है। देखिए मोहतरमा आपका डंका कहाँ कहाँ बजता है मुझे क्या मालूम। देखिए आपकी बहुत ही गंदी नजर है। तो आपकी भी तो है हमारे कश्मीर पर। कश्मीर को ना कोई ले सकता है, ना कश्मीर को कोई कुछ दे सकता है। कश्मीर में तो सिर्फ 2 दिन और 3 रात का हनीमून पैकेज हो सकता है। क्यों डेविड जी? आज भी खार घर में मेरी खाला खामखा हो रहे इस खूनी खेल को खत्म करने का ख्वाब देख रही है कि कब ये खूनी खेल खत्म हो, ताकि वो अपने खूनी खेल को खत्म करके खार घर के खोली में खाना खा सके और वो भी खुशी के साथ। खा 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 खा। हमें लगता है हमारे पड़ोसी मुल्कों ने अब बंदूक की गोलियों की जगह ये नई मिसाइल छोड़ी है। डेविड सर आपसे शुरू करते हैं, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अरे भैया कमाल, इतना हंसा नहीं हुए हैं बहुत दिनों बाद हंसा। मैं सोचता था मैं ही हंसाता हूँ लोगों को,
चलो आज मजा आया खुद हंस के भी इतना। नहीं आप कॉमेडी के मंत्रा बादशाह सामने बैठे उनको हंसाना है, हमारा सौभाग्य रहा साहब। नहीं मंत्रा जी आप तो कमाल है यार, वेरी वेल डन यार, ऑल ऑफ देम, अभी पूर्वी इज देयर, इवन राजीव इज देयर, ऑल ऑफ यू हैव एक्टेड सो वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल यूज्ड योर वॉइस यार, यू नो, सुपर सुपर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी, थैंक यू, थैंक यू डेविड सर। आरजी कितना मजा आता है व्हेन यू सी समथिंग विच इज नॉट परफेक्ट, लेकिन उस इम्परफेक्शन में भी एक परफेक्शन है मजे का। आई मीन द होल थिंग इज जस्ट अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बट मंत्रा यू मंत्रा। आज सुहेल ने छुट्टी ली है तो हमने तिकड़ियों को भी स्कोर की टेंशन से छुट्टी दे दी है, तो आज कोई स्कोरिंग नहीं होगी। एक बार मंत्रा, पूर्वी और राजीव के लिए जोरदार तालियां। बच्चा बूढ़ा और जवान, यहां पर सब है एक समान, यहां पर जो भी है आता आकर है सर झुकाता, पा हो या पापा, जादू हो या दादू, भारती के ब्यूटी पार्लर में सब आते हैं। चलिए हम भी चलते हैं, प्लीज वेलकम भारती एज पार्लर वाली, सिद्धार्थ एज पा एंड किकू एज जादू। Oh my God, hello! आज तो थेम थेम। हम तो तोरी। मैं दादा बाल नहीं लाऊंगी क्योंकि मेरे बाल में दो तीरिया ने अंधे दिए हैं, वो तही तूती न जाए। हेलो, तो ही मेरी हाथों में थीदा नहीं देखेगा, तब लोग यहाँ थे थूर उतरेंगे। यहाँ थे फिर मेरी हाथों में देखो, मेरे अंध अंध तो निहालो, जिंदगी के मजे लो तुम, जिंदगी के मजे। आज मैं अपने फैमिली तलून में ढली हूँ, ये है तमतम तलून। इतने मैंने बहुत सारे लोदों था, मैं तो अवल किया है। दैविद दी आपको यतीन नहीं ओला होगा, अभी दिताती हूँ, ये देती। सबसे पहले मैंने इतना मैं तो अवल किया था, मैं तो अवर ते बाद दूसरा नंबर इतना मैं तो अवर ते बाद लोग मरते हैं मैं तो अवर तरवाने के लिए, मेरे ते बड़े बड़े लोग आएंगे मेरे तलून में। अलो टैटू, एक मिनट हाथे तिलक, नितुल सर। ए मैं निकुल नहीं हूँ, मैं पा हूँ पा। ओहो यार, ये कॉमेडी सर्कल की वजह से जो कोई टकला आदमी दिखते उसे लोग निकुल ही बोलते हैं। इतनी अजीब बातें करता है। अरे तेरी बातें मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। दूसरे दी तैसे इतना तवेद टकला है, बातें जाने से पहले फितल जाती है। मेरा सर टकला नहीं, तेरा पेट टकला है। हेलो, किसका फोन है? दैवी ते पूछो, मेरा पेट कितना तकती है। समझे तुम? ये सेक्सी पेट है, हाफ स्कर्ट पहना तो सेक्सी हो गया क्या? तो क्या हुआ हाफ स्कर्ट पहना है? जिस दिन मैं हाफ तपरे पहनती हूँ उस दिन मैं थैलून में हाफ दे लेती हूँ, जिस दिन मैं फुल तपरे पहनती हूँ उस दिन थैलून में मैं फुल दे रहती हूँ, और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन। बतवास बंद करो बदतमीज लोंदे। क्या बोली? बदतमीज लोंदा। क्या तेरी बातें मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मुझे लिख के दे। अरे मैं लिख तो सकती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती। अरे मैं पढ़ सकता हूँ, तू लिख के दे। ये ले। ये क्या लिखा है? मैंने कहा था मैं लिख सकती हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती। अरे ये तो गिर गए। हेलो, मैं इनको होत में ला सकती हूँ। कैसे? मुझे इनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना पड़ेगा। दादू उठ गए। कौन है ये? दादू। अरे दादू नहीं, ये जादू है। नहीं देती, इतनी उम्र है ना, ये दादू ही है। दादू प्लीज तू देता करो, धूप खाकर धूप करके कि मेरी दुबान ठीक हो जाए, मैं एकदम क्लियर बोलूं। पहली दुबान ए चुप बैठ, तू इसकी आवाज क्या ठीक करेगा? ए पंडित से बात कर, मेरे ग्रह पे लोग मुझे सोनू निगम कहते हैं।
कोन्नू निगम, तू तेरे ग्रह का हिमेश तेरा होगा। अरे कैसा होगा क्या? हिमेश हमारे ग्रह का ही है। हमारे ग्रह का है? और क्या? तुझे क्या लगता है? वो ऐसे गाना क्यों गाता है? धूप पे चार्ज करता है अपने आप को। मैं कहती हूँ कि अब मैं तोर का तिलतिला तुलू दिया जाए। हाँ तुलू किया जाए, मुझे अपना रंग बदलना है। नहीं, पहला मेरा मेकओवर करो। प्लीज पहले मेरा मेकओवर कर दीजिए। देखिए मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, आजकल तो मैं चल के दूध की डेयरी पे जाता हूँ दूध लेने के लिए, तब तक मेरी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। दूध खरीदता हूँ, गट 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 करके दूध पीता हूँ, तब मुझ में एनर्जी आती है। फिर मैं लौट के घर जाता हूँ, तब तक मेरी एनर्जी फिर से डाउन हो जाती है। फिर घूमता हूँ और दूध की डेयरी जाता हूँ, बस मैं जाता हूँ आता हूँ जाता हूँ आता हूँ, इसमें मेरा साला का सारा दिन गुजर जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हें बाकी के काम तब करते हो? अरे कौन से बाकी के काम, मैं कोई काम नहीं करता, बस दूध की डेयरी जाता हूँ और दूध की डेयरी से आता हूँ। अभी भी बस दूध की डेयरी जा रहा था, रास्ते में ये सलून देखा तो मैं घुस गया अंदर। ए बुड्ढे तेरा हो गया, मैंने सुना तुम टैटू भी निकालती हो। यस, मैं टैटू भी बनाती हूँ। आप कौन सा टैटू बनाएंगे, अपने हाथ में फूल बनाएंगे या फिर धरी? ए फूल तो लड़की लोग बनाते, मैं तो घड़ी बनाएगा। पत्ता? हाँ। तो लो एक बार। हाँ ठीक है, आधे बंद करो। ये देखिए धरी, अब पेन से ताते तू थूत बना लेना। आप लोगों का हो गया हो तो प्लीज आप मेरा रंग बदल देंगे? ओते ओते, उतो इधर आओ। मैंने वो क्या है ना, मैं अपने ब्लू कलर से एकदम परेशान हो गया हूँ। आप बैठिए दादू, चलाइए आप थरे रहिए। ऐसा मैं तो ओवर करूंगी कि रिलैक्स हो जाओगे और लौट भी नहीं बैठानेंगे। बस आशीर्वाद बेटी आशीर्वाद। आप भी अपना पेन टूपल तरिए, सबसे पहले हम तरेंगे वैक्टिंग। आराम से बेटी आराम से गला। ठंडा ठंडा कूल कूल, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एकदम 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 तो लगता है ये तो भी गए। अब तू पागल हो गई है क्या? मुझे नहीं लगता तुझे पार्लर का कोई भी काम आता है, ये तूने क्या किया? मैंने तब कहा था कि मुझे पार्लर का काम आता है। अरे मैं तो बचपन से एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। मैंने बहुत सारे लैंप तो किए, एक तो बहुत बड़ा मैंने तो किया था, मैं लैंप पे ऐते तली म्यूजिक दाना था हुआ, मेरे तपरे दिर्दाए थे। लोगों ने फोटो निकाली? नहीं, तप्पल से माला कहते मोती तपरे पे। मैं तो इतना दूध हुआ, मैं वही थे भागी। फिर मैं तो याद आए कपड़े तो उधर ही रह गए, फिर मैं वापस भागी। फिर लोगों ने फोटो निकाली? नहीं, इस बार तप्पल तेरी दूते से मारा, कहने लगे मोती तपरे पे नंगा गेंदा लग रही है। लेकिन अब डेविड डिकी और मेली एकदम क्लियर बात हो चुकी है कि इनकी नेक्स्ट फिल्म में हीरोइन अलो। अरे हीरो हीरो उनका बेटा और कौन है ना? तो डेविड सर, आपकी अगली फिल्म में भारतीय हीरोइन बन रही है? शी सुपर्ब यार, बहुत अच्छा, जो भी करती है सब अच्छा करती है। नहीं, वो बड़ी चेप है, एक बार चढ़ गई तो छोड़ेगी नहीं। हाँ। पिक्चर में अपने अपने आप को कास्ट करके ही रहेगी। इसी को कलाकार बोलते हैं ना। थैंक यू सो मच सर। और आप अगर मुझे ले लेंगे तो बाकी जो औरतें लेंगे उनका खर्चा बच जाएगा। मैं माँ भी बन जाऊंगी, बहन भी, बेटी भी, वॉचमैन भी, काम वाली, भाई सारी लड़कियां मैं ही। डेविड जी, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस शी इज वेरी गुड, इवन सिद्धार्थ, इवन किकू, ऑल ऑफ देम, दे हैव डन वेरी वेल। विदाउट अ स्टोरी लाइन दे पुल्ड ऑन द होल एक्ट, इट्स नॉट बैड। अर्चना, आपको कैसी लगी इनकी बहुत ही दुख भरी दास्तान रैंप वॉक पर चलने की? सो मेनी एलिमेंट्स इन वन एक्ट, कुछ अच्छे, कुछ नॉट सो अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, काफी कुछ नया और काफी कुछ पुराना, लेकिन इनका जो मिश्रण आप सब करते हो इस मंच पर वो हमेशा एंटरटेनिंग होता है। बट यू नो भारती और वन एक्टर, जो जहां पर भी दुनिया में लड़कियां अगर ना खुश हैं अपने आप से ना, अपने वजन से,
तो दे शुड लुक एट यू एंड से हाउ यू यूज दैट वेट टू एंटरटेन टू सेड्यूस एंड एंटाइस ऑल थ्री इतना बढ़िया. आई वॉन्ट टू से दिस हियर दैट आपका जो भी वेट हो आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, आप इतनी कमसिन लगती हैं, हसीन लगती हैं. इस रैंप पर वॉक करना इज वेरी डिफिकल्ट, पर जिस अंदाज से आप करती हैं रियली यू फील यू डोंट वांट टू वॉच एनी अदर टॉप हीरोइन एंड वी जस्ट वांट टू वॉच यू. थैंक यू. प्योर टैलेंट. तो भारती, किकू और सिद्धार्थ के लिए एक बार जोरदार तालियां. वेलकम राजीव ठाकुर एज दादा, परेश एज पोता एंड सुगंधा एज अ टीचर. नमस्ते देवी जी. आपकी फिल्म सुपर हिट होने वाली है चश्मे बद्दूर. अरे वाह, उसका कारण है जी गाना ही सुपर हिट हो गया. हर एक फ्रेंड कमीना होता है, जब अकेला लड़की को लेके आएगा तो कमीना तो हुआ ही ना. ये बात नहीं है. और ये डायलॉग हमारे यहाँ भी पूरा परफेक्ट फिट होता है कि हर एक जज कमीना नगीना होता है. क्या नगीना, यानी कि जो गिना ना जा सके. वाह वाह वाह, इतने इधर आए गिने ही नहीं गए हमसे. लेकिन एक है नगीना जिसकी कोई कीमत नहीं है, इसीलिए अर्चना जी विपुल जी आपको पैसे नहीं देते. जब आपकी कीमत ही नहीं तो पैसे किस बात के. और डायलॉग तो सुपर हिट हो गए आपकी फिल्म के, व्हेन यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल. तो हम भी यही करते हैं, व्हेन यू कांट चेंज द जज चेंज द जज. खैर मैं आपको बता दूं, 65 साल हो गए मुझे स्कूल में पढ़ते हुए, अभी तक मेरी 10वीं पास नहीं होगी भी कहां से, आप बताइए. सेक्सी सेक्सी टीचर रख लेते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता. और ऊपर से मेरी बीवी की डेथ एनिवर्सरी और बोर्ड्स की एग्जाम की डेट आपस में क्लैश हो गई. और ऊपर से वो सपने में आके मुझे डरा रही है. अच्छा अब मुझसे ज्यादा तुझे पढ़ाई प्यारी हो गई. मैंने उसको समझाया, मैं कह डार्लिंग पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. कुछ नहीं देखता जी ना, पढ़ाई के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता बस. स्टूडेंट, तू है कौन? मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर. स्टूडेंट रियली? ओ तुम्हारी मूछें लगी हैं, जाओ साफ करके आओ. ए, ये मेरी अपनी मूछें हैं, मैं यहाँ का वफादार स्टूडेंट हूँ. वफादार नहीं होता, होनहार होता है. नहीं नहीं, होनहार होता है वो तो पास होके आगे बढ़ जाता है. जो 65 साल से एक स्कूल में बैठा रहे वो वफादार ही होता है, जस्ट लाइक अर्चना. जो होनहार है वो फिल्में बनाने चले गए, जो वफादार है वो यहाँ बैठी है मेरी तरह. देखो बकवास बंद करो, जल्दी से पढ़ाई शुरू करो जल्दी. पढ़ाई ओके. पहला सवाल मैं करूंगा. क्यों? क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूं ना. ओके. एक बात बताइए कि अगर एक बुड्ढे ने आपके साथ हनीमून पे जाना हो तो कितना खर्चा आएगा? बड़े बदतमीज हो तुम, तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी. ऐसा करो जल्दी से घर में फोन करो और किसी बड़े को बुलाओ, आई मीन किसी छोटे को बुलाओ. एक ये मेरे घर में पोता, वो तो जी वही हाल है कि हर एक पोता कमीना होता है. आजा बेटा जल्दी जल्दी, इधर फिर शिकायत आ गई है बेटा. ओ कैसे तू? ओए हे हे, कौन है ये आइटम? अबे शर्म शर्म नहीं आती तुझे? हाँ भाभी है तेरी? एक्सक्यूज मी, भाभी नहीं हूँ मैं, टीचर हूँ इसकी टीचर. आप इनकी बात का बुरा मत मानो. आप बोलो आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैं कुछ नहीं लूंगी. नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली आई लव यू नहीं बोल सकता. देखा, और कर लो और कर लो मेरी शिकायत इससे. ये तो खुद बड़ा बदतमीज है. आज भी ना हमारे मोहल्ले में इसकी वजह से फैशन शो में लड़कियां घूंघट लेके फैशन शो करती हैं. मुझे बख्शो, मैं तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है टीचर जी, ये मेरा दादा ना बहुत इंटेलिजेंट है, जब मैं बहुत छोटा था ना तब से ये मुझे पढ़ा रहे हैं गंदी गंदी बातें. नहीं नहीं पता क्या, मेरी इंग्लिश में हाथ तंग है इसलिए, वरना मैं इंटेलिजेंट हूँ सच में. अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट है. ओके तो ठीक है, हिस्ट्री निकालते हो. ठीक है बोल. ओके मुझे ये बताओ कि 24 अप्रैल 1987 को ऐसा क्या अजूबा हुआ था कि पूरी दुनिया झूम उठी थी? दुनिया को तो पता नहीं, पर डेविड साहब बड़े झूमे थे क्योंकि उस दिन वरुण धवन जी पैदा हुए थे. ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट, ही इज स्टूडेंट ऑफ द ईयर. ये चश्मे बद्दूर का प्रमोशन करने आया वरुण का. पता क्या है, देखो बेटे की तारीफ करो बाप खुश होता ही होता है. आ, वो तो है. फिल्में तो लाखों लोगों की हिट होती रहती हैं, बेटा तो किसी किसी का हिट होता है. तो कुछ सिखाने की कोशिश की जाए इनको, प्लीज प्लीज करो ना. देखो मैं आपको बताऊं, ये जो ना इसका इंटरेस्ट देखो, बच्चे का इंटरेस्ट देख के उसे पढ़ाना चाहिए. जैसे आमिर खान कैसे पढ़ाए थे तेरे, कौन सी फिल्म थी, तारे जमीन पर. ओके ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट. ओके वन सेकंड, आ जाओ आ जाओ.
जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाइ टेलिंग अ लाइ नो पापा ओपन योर माउथ ओके पापा डेविड सर कैसी लगी आपको ये पोएम सिखाने का नया अंदाज ऑल थ्री ऑफ यू आई मीन द होल एक्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच ऐसे पढ़ाई हो तो फिर सब पढ़ेंगे आरजी इतने सारे एक्ट देखे हैं इस मंच पर इसलिए मुझे कहना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रेट था ये एक्ट उसके बावजूद राजीव आपने बहुत अच्छा समा बांधा परेश यू आर ऑलवेज क्यूट यार तुम जो भी करते हो बहुत मजे के साथ एंड सुगंधा यू एडेड दैट आइटम नंबर थिंग वाज दैट राइट तड़का दैट यू एडेड So it is a sweet and cute and entertaining act. Thank you, Archie. So ek baar Rajiv, Paresh aur Sugandha ke liye zordar taaliyan. Aaj Ravivar hai, Buddha bimar hai, beta tayyar hai. Aaja mere Yamdoot, sir tera hi intezar hai. Jayadad paane ke liye ek beta kya kya kar deta hai? Chaliye dekhte hain. Please welcome Krishna as beta, Sudesh as baap and Siddharth as Yamdoot. Haan beta. चल सीधा मांडवा जा मांडवा में भी एंट्री नहीं मिलेगी तेरे को और मम्मी डैडी कैसे तो तुमको क्या हो गया तुम क्यों ठीक नहीं हो हाँ भाली वो कितना डांस करता है मम्मी डैडी गिरेंगे नहीं क्या इधर से इनको देखिए भाई साहब कैसे हैं आप सब उल्टी चीजें हैं मूछ उल्टी लगाई उसको उल्टा कर ऐसा लगा अब क्या सब पे एक एक पंच बोलूंगा भाग इधर से कृष्णा हेलो 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 अर्चना जी हेलो सोहेल भाई कैसे आप मैं अर्चना जी हमेशा से कहता था सोहेल भाई को मैंने खास करके बोला था कि अगर एक्सरसाइज ना करो ना तो महीने भर में काफी वजन बढ़ सकता है एकदम डेविड जी जैसे लगने लगे हैं डेविड डेविड जी आ गए अरे छोड़ो यार सोहेल खान जज में फॉल था इसलिए निकाल दिया इसलिए डेविड जी को लाए लव यू डेविड जी हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है घर का रिश्ता है चीची मामा के साथ इतनी फिल्में की मतलब इतना पुराना है कि डेविड जी को हम तब से जानते हैं जब डेविड जी इतने से थे जब कृष्णा इतने से आजकल अबे बात तो कंप्लीट होने दीजिए सर जब डेविड जी इतने से थे हम जब आप हमारे घर पे आते थे जब डेविड जी इतने से थे ना तब मैं इतना सा था और वो भी अपने डैडी के पास था मैं है, लेकिन एक चीज कहूंगा डेविड जी के बारे में इतने सालों से 80 से लेकर डेविड जी अभी तक इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं मैं कहूंगा नंबर वन कॉमेडी के अगर कोई डायरेक्टर है तो वो डेविड धवन जी एक बार जोरदार कहूंगा खैर मैं भी कैरेक्टर में आ जाऊं बहुत स्टैंड अप हो गया हेलो एवरीबॉडी एक्चुअली मैं एक छोटा सा बच्चा हूं मैं इतना अच्छा बच्चा हूं डेविड जी एक्चुअली मेरा भाई भी आपको मालूम है यू नो डेविड अंकल मेरे पापा जो है मेरे पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते क्योंकि सौतेले है ना मैंने आज पूरा प्लानिंग बनाया है सब तैयारी की आने दो मेरे पापा को फिर दिखाता हूँ एक तो मेरा सौतेला बाप है ना इसलिए मेरे से प्यार नहीं करता कहाँ गया वो ये क्या कर रहा है तू है डैडी डैडी उधर उधर किधर डैडी हैं डैडी नहीं ओ आई लव यू डेविड बोला मैं डेविड जी को बोला नमस्कार सर नमस्कार पापा पापा ऐसे बातें छोड़ो मेरे को बात बताओ ना मैं कुछ चीज मांगूंगा तो मना तो नहीं करोगे मुझे बेटे तू मेरा बेटा है आज तक बता किसी भी चीज के लिए मैंने तुम्हें हाँ बोला खैर पापा मेरे को ना बाहर किसी ने माँ की गाली सिखाई है क्या मैं आपको दे सकता हूँ
बेटे नहीं, देखो कभी भी गालियां नहीं सीखनी, अगर सीख भी जाओ तो बोलनी कभी नहीं। जो गंदी गंदी गालियां गरीबों को देते हैं फिर उनको पाप लगता है, अगले जन्म में कॉमेडी सर्कस के डायरेक्टर बन जाते हैं। पापा बहुत जोर से आई है, देने दो ना, फिर निकल जाएंगे। मैं तो ओहो, एक तो जिद्दी बड़ा। चलो पीछे कंट्रोल रूम में ना टकलू अंकल बैठे, उनको दे दो। नहीं नहीं, जिसकी बनती है उसको दूंगा मैं पापा। आपकी बनती आप ही को दूंगा। बेटे देख, तू उसको गाली दे दे। हाँ। अभी हमारा एक्ट खत्म होएगा। हाँ। बाहर जाके राइटरों को वो गालियां देगा ये क्या लिखा है, तो अपनी मैं ले लूंगा उससे। कमाल करते हो पापा, ये लोग ना गुजराती लोग हैं, गाली बहुत मोटी आधी रख लेगा तो। छोड़ो, जस्ट किडिंग पापा। पापा एक सच्ची बात बताऊं। हाँ? पापा ये दुनिया वाले चाहे आपको कुछ भी बोले, लेकिन मेरी नजर में आप झंडू प्रसादी हो। बेटा मैं शुरू से कोई झंडू प्रसाद नहीं था, मैं एक आम इंसान था, नेक इंसान था। जब मैं बॉम्बे आया तो मेरी एक कुत्ते आदमी से जोड़ी बना दी गई। कृष्णा को जानता ना तू? हाँ, मिला था बाहर, आपको बहुत गालियां दे रहा था। एक्चुअली उसको जो भी बाहर से मिलता है ना, आधा मेरे को दे देता है। अच्छा? ये क्या किया तूने? बाहर किसी ने दो थप्पड़ मारे थे उसको, आधा आपको मिल गया। ये उसकी ईमानदारी है, उसको दो मिले थे उसने एक मेरे को दिया। अगर वो बेईमान होता तो दो तीन को मार सकता था। बेटे ये उसकी ईमानदारी है। ईमानदारी से मुझे याद आया, मेरी माँ बहुत ईमानदार थी, साकी नाका में रहती थी और बहुत सारे उसके खेत थे, बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारी दुकानें, उसका बहुत कुछ था वहां पे। मतलब पूरा का पूरा आपकी माँ का साकी नाका था। पापा मेरे को एक बात बताओ, बहुत मारा आपने, मैं बताता हूँ आपको, सुनो। पापा ये वसीयत क्या होती है? पापा वसीयत ये होती है कि जब मतलब कोई बंदा मरने लगे तो उससे पहले सोचता है कि अपनी जायदाद किसके नाम कराऊं। तो कब लिख रहे हो? बेटे अभी तेरी इतनी उम्र थोड़ी, अभी थोड़ी मरेगा तू। मरने के मैं पापा आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, दरअसल हम लोग गलत है, अपने बच्चों को गलत संस्कार देते, बच्चे ऐसे नलायक निकलते हैं। जब हम सुधरेंगे तभी हमारे बच्चे सुधरेंगे। बेटे आज के बाद अच्छे काम करो। ओके, नेक काम करो। जाओ अब पैक बना के लाओ मेरे लिए। बनाता हूँ पापा। क्योंकि बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे, यही बच्चे आगे जाके बहुत नेक बनेंगे। और कैसी हैं बहन जी आप? हाँ पापा, कैसे लोगे? थोड़ा आइस, थोड़ी बर्फ डालो, क्योंकि मैं गुस्से में था, थोड़ा मैं ठंडा होना चाहता हूँ। ऐसा ठंडा करूंगा पापा कि सीधा लकड़ी पर जाकर ही गर्म होंगे। लीजिए। बड़ा मैं बिक्री कर रहा है, प्राण की आवाज क्यों निकाल रहा है? बस प्राण ही तो लेने हैं पापा। वाह, बेटे मैं सोच रहा हूँ कल तुम्हें घुमाऊं, स्कूटर के ऊपर बिठा के मैं तुम्हें चक्कर लगाऊं। अरे पापा कल तो आपको मैं घुमाऊंगा, वो भी कंधों पे। अभी मैंने छोटा है, तू छोटा सा मेरे को कंधे पे कैसे उठा सकता बेटे? अरे चार दोस्त बुला लिए मैंने, आप फिक्र मत करो। ये यार दारू कैसी है, टेस्ट नहीं आ रहा। जहर का टेस्ट थोड़ी आता है पप्पा। ये जहर है? पप्पा पप्पा बहुत हैमिंग हो गई पप्पा, बस बस। बेटे ये हैमिंग क्या होती? बहुत अच्छी एक्टिंग को हैमिंग बोलते हैं पप्पा। कृष्णा मेरे से भी ज्यादा करता। बेटा हाँ, डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को नहीं बुला सकता मैं पप्पा। क्यों? नहीं तो फिर आप बच जाओगे। एक मिनट रुको पापा, पापा इस पे साइन कर दो, ये इस पे साइन कर दो। डेविड साहब देख लो, आपने मुझे फिल्म में नहीं लिया फिर भी लोग मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हैं। अभी तो लाओ सुदेश लहरी। एक मिनट, लेट सुदेश लहरी। हाँ। क्या कर रहा तू? अब गए आप पापा, अब मैं बुलाता हूँ यमदूत को आपको लेने के लिए। ए यमदूत, ए जल्दी आ। ए यमदूत को बुलाया था, कौन है ये? मैं यमदूत हूँ। ए हट, मैंने तो फिल्मों में यमदूत देखा है, यमदूत तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तूने थिएटर पे फिल्में देखी है ना, नेट वाली नहीं देखी। ए तू यहाँ पर प्राण लेने के लिए आया ना? नहीं, आई हेट सी फूड, आई डोंट लाइक प्रॉन्स।
अबे प्रॉन्स की बात नहीं कर रहा बे, मैं प्रांड की बात कर रहा हूँ। साला लगता है इसको भूख लगी है, भूख लगी तेरे को कुछ खाएगा। डू यू हैव समथिंग खट्टा लाइक चोती मुर के लड्डू? चोती मुर के लड्डू? या लेसन के बड्डू लोगे? लेसन के बड्डू कहाँ मिलते हैं? लेसन के बड्डू कहाँ मिलते हैं? वहीं जहाँ तेरे चोती मुर के लड्डू मिलते हैं। हट, सीधा तरीके से उसको लेके जा अभी तू। तुम्हें मैं लेके जाऊँ? ठीक है, लेकिन एक मिनट, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं ना सबका यहाँ पे भविष्य जानना चाहता हूँ, आने वाला समा। बस इतनी सी तुम्हारी ख्वाहिश है? ये तो मेरे हाथ का खेल है। लो पढ़ो भविष्यवाणी। पढ़नी पड़ेगी, सबको पता अनपढ़ बंदा फिर भी पढ़ा रहे हो। ओए होए होए, अर्चना पूरन सिंह अगले जन्म में कॉमेडी सर्कस की जज बनेगी। अगले जन्म में? मतलब इनका अगला जन्म चल रहा है क्या? नहीं नहीं, इनके राइटर भी ऐसे ही हैं, स्क्रिप्ट लेट देते हैं, पिछले जन्म में दी थी। ये क्या कर दिया? ओहो, निकुल गांडा, अगले जन्म में भी इसका नाम गांडा ही होगा। अगले जन्म में इसके बाल होंगे लेकिन पूंछ पे। ये लिखा है? बताना है। अरे वाह, मेरे बारे में भी लिखा है। लिखा है कि अगले जन्म में कृष्णा का बहुत बड़ा बंगला होगा मडरलैंड में। ऐसा लिखा है? लिखा? आगे नहीं बढ़ा। और मडरलैंड का मालिक होगा सुदेश लहरी। क्या बात है? अरे? मैं पढ़ता हूँ सुपरस्टार के बारे में कि अगले जन्म में बच्चे बच्चे की जुबान पर सिद्धार्थ सागर का नाम होगा। क्या क्या क्या? दोबारा 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 क्या क्या क्या? अगले जन्म में बहुत ओवर एक्टिंग है, पढ़ना था। आगे तू? अरे ये क्या मतलब, बच्चे को ऐसे मारने का तेरा कोई हक नहीं? नहीं, ये थोड़ी बात है कि तेरे डायरेक्टर साहब आए थे तो उनके सामने तू इनको ऐसे मारेगा। दिखा 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 दिखा। एक हाँ, अगले जन्म में खुशी की खबर मेरे लिए, अगले जन्म में कृष्णा की गर्लफ्रेंड फिर कश्मीरा होगी। डेविड जी, डेविड जी, डेविड जी, आपका देख रहे हैं ना, ये तीनों हम लोग दोस्त हैं, लेकिन सच्ची में बाबा डेविड जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, हर एक दोस्त कमीना होता है। बजाओ यार तुम लोग। डेविड सर, अगर हम आपसे एक बात कहें, आई एम श्योर कि सभी मुझसे सहमत होंगे, ये जो गाना आपकी फिल्म का है ये बिल्कुल कृष्णा, सुदेश और सागर पर फिट बैठता है। बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठता है। तो बताइए कैसे लगे आपको ये तीन कमीने दोस्त? बहुत एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। शुरू भी कैसे किया उसने गाने से, एंड कैसे किया बीच में। देयर रिलेशनशिप इज टू ग्रेट बोथ ऑफ देम। बट आई विल टेल यू वन थिंग, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज ऑल्सो इज ब्रिलियंट एज अ यंग बॉय, यू नो। बट आई वॉन्ट टू जस्ट से वन थिंग अबाउट दिस एक्ट, राइटर्स के लिए स्पेशली, इसमें जो भविष्यवाणी का एंगल जो लेके आए थे ना बुक में पढ़ने के लिए, दैट वॉज आउटस्टैंडिंग। कृष्णा, तुमको हर बार तारीफ की बहुत जरूरत रहती है मुझे लगता है। यू आर ब्रिलियंट यार, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। थैंक यू, सुपर, थैंक यू। आजी, इनका एक्ट देखकर तो पेट में दर्द हो जाता है, आपकी कैसी हालत रही? मैंने तो चलते एक्ट में ही स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया था। कृष्णा, आपका जब गाना खत्म हुआ तो आई जस्ट कुडंट रिजिस्ट, इट वाज डिजर्विंग ऑफ अ स्टैंडिंग ओवेशन। द लाइव एनर्जी दैट यू एग्ज्यूड कृष्णा इज अमेजिंग, और मैं आई होप दैट वन डे आई कैन सी यू इन अ फिल्म फेयर और वन ऑफ दीज ह्यूज शोज वेरी सून। यू विल हैव द ऑडियंस ऑन देयर फीट। जो आप तीन कर सकते हैं इस मंच पर और कोई दुनिया में नहीं कर सकता। सुपर, थैंक यू। Hats off to you. और कृष्णा, सुदेश और सागर के एक्ट में जो चार चांद लगाए हैं कश्मीरा जी ने, जरा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज की करतूतों को आने वाले कल का आईना दिखाने आ रहे हैं कपिल, श्वेता एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। वाह भाई वाह, जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया।
अगर कुछ नहीं बदला तो दो चीजें, एक पार्ले जी, दूसरी अर्चना जी। दोनों आज भी 2 रुपए की चाय में पिघल जाते हैं। और भी डेविड साहब, आपको देख के मेरे को अपने मोहल्ले का नंदू हलवाई याद आ जाता है, गोल मटोल, हंसता खेलता। खैर, मैं अपने बारे में बता दूं कि छज्जू की माँ जो थी वो मेरे को छोड़ के चली गई। पर खैर, छज्जू की माँ आज तू जिंदा होती तो अपने छज्जू की शादी धूमधाम से करती। मैंने देख कितना खर्चा बचाया, खाली अपने घर की खिड़की, पड़ोसी के खिड़की की मुँह तर कर दी। आज उनकी बहू हमारे घर की बहू है। छज्जू इतना कमबख्त निकला, आजकल उसे एक गिलास पानी भी मांगूं तो उसमें भी नींद की गोलियां डाल के देता है मेरे को। वे कमबख्त मारे, मेरे को तो पहले ही बड़ी नींद आती, मेरे को क्या सुला रहा है। लगता है फिर उसके कमरे में आ गया हूँ गलती से, आप लोगों को बैठे देखा तो आ गया, चलता हूँ। जानू जानू जानू। सारी मिमिक्री कर ले डेविड धवन को इम्प्रेस करने के लिए, हमारी सुहागरात जाए भाड़ में। ना भाई, हम तो कैरेक्टर में आ चुके हैं, आप भी कैरेक्टर में आ जाइए, आओ हमारे पास आओ, आओ। भाई ये क्या हो गया तुमको? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डांस करके जब स्टेज पर आते हो ना, एकदम से डायलॉग मत बोला करो, सांस फूलने लगती है, फिर आओ आओ करने लगते हो तुम। ना ना जिगर की छल्ली ना। हमारे पास आ जाओ, अब तो इस कमरे में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं। बेटा छज्जू, पिताजी दरवाजा नॉक करके अंदर नहीं आ सकते थे? दरवाजा नॉक करके आता तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाते। वैसे भी मैंने आने से पहले छेद में से देख लिया था, सब ठीक है तभी आया हूँ। नजदीक की नजर वाला चश्मा नहीं मिल रहा, मैंने कहा हुआ इधर कहीं। हाँ हाँ, ढूंढते हैं चश्मा, ढूंढते हैं पिताजी, ढूंढते हैं। आपने चश्मा लगाया नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, ढूंढते हैं। नजर भी नहीं आता क्या? अरे पापा, चश्मा तो टेबल के ऊपर भी नहीं है। देखो इधर ड्रॉवर के पास देखना जरा। ड्रॉवर के पास? ओहो, वहाँ भी नहीं है पिताजी, अलमारी के अंदर भी नहीं है। बेटा तेरे से नहीं मिलेगा, तू अलमारी मेरे हवाले कर, इधर हट, मैं ढूंढता हूँ। पिताजी आपको शर्म नहीं आती? बाप होकर अपने बेटे की अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? निकल जाइए इधर से। हाँ निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ। अरे बात सुनो, ये लाइट वाइट बंद करो, 2 साल हो गए शादी को, अभी भी लाइट जला के पता नहीं क्या देखते रहते एक दूसरे में। शुक्र है गया बुड्ढा बार बार डिस्टर्ब करने आ जाता है। डिस्टर्ब करता है मैं? क्या बोली तू? डिस्टर्ब करता हूँ? अरे टाइम रहते तेरी सास को डिस्टर्ब ना किया होता मैंने, आज तेरे को डिस्टर्ब करने वाला पैदा ना होता, बढ़िया ही तू। आइए, बुड्ढा डिस्टर्ब करता है, बुड्ढा डिस्टर्ब करता है। बकवास बंद करो, आप जाओ यहाँ से, और आप इधर आओ। आओ। मुझे कुछ कहा बेटा? कुछ नहीं कहा आपको पिताजी, कुछ भी नहीं, मां कसम कुछ भी नहीं। वो तुम लोग क्या वो किसी विसी की बात कर रहे थे ना मन में, मेरे को याद आया मेरे दांत नहीं मिल रहे कहीं। दूसरी जोड़ी, एक काम करना, सुबह काम वाली आएगी ना कांता, उससे पूछना कहीं उसके मुंह में तो नहीं छूट गए। इस उम्र में इस तरह की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अच्छा शर्मा निकाली, मेरे सारे काम वही करती है, मेरा क्या है? मेरे से ब्रश नहीं होता ना दांतों से, तो मेरे दांत निकाल के अपने मुंह में लगा के फिर करके वापिस कर देती है। बुढ़े ये रहे तुम्हारे दांत, संभालो इन्हें। अच्छा सुनो, उधर देखना तुम्हारी अम्मा की नाइटी पड़ी होगी, देना जरा। अब तुम अम्मा की नाइटी के साथ क्या करोगे, अम्मा तो रही नहीं। हाँ तो तभी तो मंगा रहा हूँ, अभी के नाइटी में तकिया देके उसको अपने पास बिठा लेता हूँ, लगता है तुम्हारी अम्मा बैठी हुई है। पिताजी अब अम्मा नहीं रही, हम लोगों को एंजॉय करने दो, आप जाकर अपनी उम्र वाले को परेशान करो। हाँ तो ठीक है, तू क्या समझता हमारे यार दोस्ती नहीं है कहीं? शुक्र है बुढ़ा गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बुड्ढा गया। मेरे को कुछ कहा बेटा? हाँ अब क्रिकेट देखने आ जाएगा। बेटा बात सुनो। हाँ सुनो। अच्छा तुम लोग तो जवान हो, सारा उम्र तुम्हारे पास पड़ी हुई। सुनो, ये सुबह 4 बजे मैच आएगा क्रिकेट का, तो मुझे उठा देना। देख बुड्ढे, हम कोई मैच नहीं खेलने वाले, ना मैच देखने वाले, जब तू जाएगा ना हम सो जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मैं भी बीच में सो जाता हूँ, मेरे को क्या है? तो हाँ सो जाओ, मैंने भी अगर तकिया तुम्हारे मुंह पे रख के तुम्हारी सांस ना रोक दी ना तो कहना। वाह बेटा वाह, जिस सांस से बचपन में तेरे लिए गुब्बारे फुला फुला के तुझे देता था, आज उसी सांस को छीनने की बात कर रहा है। वाह, भूल गया तू? अरे तुझे पाने के लिए कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मांगी हमने,
पांच दस साल घुटने गिड़गिड़ाते रहे हम इधर उधर, फिर हमें किसी ने बताया भाई 10 साल हो गए आपको मन्नते मांगते मांगते, एक बार सुहागरात मना के भी देख लो। जा रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का। हाँ थैंक गॉड बुड्ढा गया। बैंडस्टैंड में ना पुलिस भी इतना परेशान नहीं करती जितना तुम्हारे घर में ये बुड्ढा परेशान करता है। बुड्ढे को सर चढ़ा रखा है बाय गॉड। अब ये बुड्ढा बोलेगा छज्जू, बेटा छज्जू मर गया छज्जे से कूद के छज्जू। देखा अर्जुन कैसे बात कर रहा है अपने बाप से, ऐसी औलाद पैदा करने से तो अच्छा आदमी करवट लेके उस तरह मुंह करके सो जाए। कमीना कहेगा पता नहीं इस बुड्ढे को तुमने सर क्यों चढ़ा रखा है। डार्लिंग वो क्या है ना, बुड्ढे ने बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा है। हाँ हाँ मैंने देखा ना, आज 10 की नोट फटी हुई जोड़ रहा था। अरे वो बात नहीं, बुड्ढे के पास बहुत सारी हिडन प्रॉपर्टी है। हिडन कहाँ हाइड करके रखा है, कच्चे के अंदर? वो बात नहीं, बुड्ढे के पास बहुत सारी जमीन है। हाँ तो जमीन के छोटे से टुकड़े में इसे भी दफन कर दो ना। पागल हो गई हो, दफन कर दो? अगर बुड्ढे को दफन किया उसका पेड़ उग गया तो इतने सारे बुड्ढों को कौन संभालेगा। बुड्ढे को छोड़ो, वो हमारा पास्ट है। चलो हम दोनों मिलकर ना अपना फ्यूचर बनाते हैं, एक प्यारा सा बच्चा पैदा करेंगे जो हमारे बुढ़ापे में ना हमारा सहारा बनेगा। और इस तरह 30 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ। बुड्ढा रोज आता था, हमें परेशान करता था, लेकिन बुड्ढे को चश्मा नहीं मिलता था। एक दिन अचानक यमराज बुड्ढे का चश्मा लेकर आया और साथ में बुड्ढे को लेके चला गया। उस दिन बुड्ढे को चश्मा और हमें हमारे खानदान का वारिस मिल गया और आज उसकी उम्र पूरे 10 साल हो चुकी है। ये मेरे दादू हैं, दादू मेरे, मेरे दादू बिल्कुल मेरे पे गए। ये मेरा बाप है, फोटो देखो कैसे खिंचाई, इसको यकीन ही नहीं था कि इसके साथ फोटो खिंचा रही है। हेलो डेविड अंकल, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। डेविड अंकल आप फिल्म की प्रमोशन करने आए ना, मेरे को बताया आपकी फिल्म बड़ी हिट होएगी, सुपर हिट होएगी। एक बात बताओ डेविड अंकल, जितने भी लोगों को लेके आप फिल्में बनाते हो दूसरों के बच्चों को, हीरो नंबर वन, कुल्ली नंबर वन, बीवी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, अपने बच्चे की बारी आई तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वाह। आपको पता है आज ना मेरी फ्रेंड आने वाली है शित्तू घर पे, कोई है भी नहीं, होमवर्क करने का मजा आ जाएगा। पप्पू 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 तुम कैसे हो? बैठो जीतू, बैठो बैठो जीतू, बैठो बैठो, तुम बड़े सही टाइम पे आए हो, घर पे कोई भी नहीं है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे ये कौन सी पढ़ाई है जो डर डर के चुपके में करते हैं? तुम्हें नहीं समझ में आएगी, मैं लड़का हूँ ना, मेरे को पता है, बड़ा मजा आता है, कोई घर पे ना हो पढ़ाई करो। अरे एक मेरा चश्मा, माफ करना बेटा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आपने तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। बुड्ढे कहीं के चश्मा ढूंढ रहे हो? जब मेरे दादाजी का चश्मा गुम हुआ था तुम यहाँ पे मेरी वाइफ के साथ बैठे थे, तब मिला था चश्मा? नहीं मिला था। तो साले बुड्ढन मैंने यहाँ माइक्रोस्कोप लगाया, मेरे को कहाँ से मिलेगा? चल निकल यहाँ से, बड़ी बेइज्जती करूंगा तेरी बुड्ढन कहीं का। पप्पू इसको छोड़ो। हाँ। हम चलो पिकनिक पे जाते हैं, तुम्हारे पास 500 रुपए है? 500 रुपए लगते हैं पिकनिक पे जाने के? हाँ 500 रुपए नहीं है मेरे पास, तो जा रही मैं। पापा 500 रुपए दो ना। वाह वर गुरुदार, अब पापा आज इतनी देर से बुड्ढा बोल रहा था, मैं भी तुझे 500 रुपए नहीं देने वाला। मेरे भी मुंह से गलती से निकल गया था पापा बुड्ढन, तू भाई बुड्ढा। मेरी बात सुनो बेटा, मैं यहाँ अपना चश्मा ढूंढने नहीं आया हूँ बेटा, मुझे आज पता चला कि मेरे पिताजी भी चश्मा ढूंढने नहीं आते थे, उन्हें भी मेरी तरह अकेला फील होता था, अकेलापन उन्हें काटता था, इसलिए चश्मा ढूंढने के बहाने वो अपने बहू बेटे से बात करने आते थे बेटा। उस वक्त मैं उनकी बात को नहीं समझ पाया बेटा, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। पप्पू मैं घर जा रही हूँ, दादाजी घर पर अकेले। पता है किसी ने सही कहा है, यू नो एक बाप ना 100 बच्चों को पाल लेता है लेकिन 100 बच्चे ना मिलके भी एक बाप को नहीं पाल पाते। मैंने तो सबको एक ही बात कहूंगा,
कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करो, हमेशा अपने दादा दादी की इज्जत करो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस बंदर की शक्ल देख के पता चली जाएगा आपको। चल मैं उठ के सॉरी बोल दोबारा। सॉरी। और सबको अपने दादा दादी के पास रहना चाहिए। दादी तुम भी इधर आ जाओ, किसी का दादा लेना जाए तुम्हें उठा के। तो डेविड सर, कैसी लगी आपको कपिल मुबीन और श्वेता की ये परफॉर्मेंस? सुपर्ब सुपर्ब। और कपिल, आई नो यू हैव अ बैक प्रॉब्लम टुडे, स्टिल यू परफॉर्म्ड सो वेल। एक्चुअली तुम तो हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हो यार, तुमको कब से देखता आ रहा हूँ। एंड स्पेशली यू हैव सच ग्रेट एक्टर्स विथ यू लाइक मुबीन एंड श्वेता। और मुबीन, ही सच अ गुड मिमिक। आई थिंक द होल एक्ट वॉज वेरी एंटरटेनिंग एंड आई मस्ट गिव यू अ क्लैप। थैंक यू डेविड सर। अर्चना, ऐसा लगता है जैसे किसी लोक कथा पर आधारित था ये एक्ट। इसमें इतना सारा मैसेज था, संस्कार था। कपिल, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने इस एक्ट पर, लेकिन वक्त आपको बहुत कम मिला है इसे तैयार करने के लिए। मुबीन, आप अपनी मिमिक्री को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एंड श्वेता, यू आर वेरी इफेक्टिव एज द बहू। एंड वो बच्ची की जो आपने आवाज़ निकाली, इट वॉज वेरी क्यूट। लेकिन कपिल, आपने जो बूढ़ा वृद्ध शख्स का जो आपने किरदार किया, उससे कहीं बेहतर आपने ये बच्चा किया। और इस बच्चे के अंदर जो आपने जो संस्कार मैसेज जो भी डाला था, वो उतना ही इफेक्टिव था जितना आपका ह्यूमर। हल्के फुल्के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के बावजूद ये एक्ट बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। सबको लगता है कि यार, अगर आपकी दादी नानी मॉम डैड जो भी है, एक रिमाइंडर है ये एक्ट कि हम लोग इतनी जल्दी उनको ऐसे धुतकार देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त आपके सामने भी एक दिन आएगा और आपको भी शायद ऐसा सुलूक अगर वो दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नाइस, क्यूट, एंटरटेनिंग एंड वेरी वेरी वेल परफॉर्म। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक बार कपिल, श्वेता और मुबीन के लिए जोरदार तालियां। डेविड सर, हम आपको हमारे शो पर आने के लिए बहुत 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 थैंक यू कहते हैं। एंड आई होप कि चश्मे बदूर इज अ ह्यूज सक्सेस। इनफैक्ट हम सब यही कहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर चश्मे बदूर शुड बी सक्सेस नंबर वन। तो एक बार डेविड धवन के लिए जोरदार तालियां। एंड आई रियली एंजॉयड दिस कॉमेडी सर्कस टुडे। जेन्युइनली आई हैव बीन मेकिंग पीपल लाफ, बट आई थिंक आई हैव लाफ्ड मोर देन पीपल मस्ट हैव लाफ्ड इन माय फिल्म। वक्त का पहिया चलता रहेगा, लाइफ का मौसम बदलता रहेगा, लेकिन एक चीज कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, आपकी हंसी। और आपकी हंसी के लिए हम ऐसे ही आते रहेंगे, ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।